Hi kids, how are you doing? Welcome to another super cool, super awesome and absolutely amazing session that we are going to be taking on India's really most loved bio channel, given the way we are actually growing like a sweet, cute little family called the We Biotonic. So thank you so much for coming and seeing our lectures every day, my dear children. It means a lot to us. Really, thank you so much. And because you guys love us so much, आज की class, I can promise this to you, is going to be a super धमाकेदार, super fun, super enjoyment, absolutely James Bond की mummy level awesome class होने वाली है. तो fasten your seat belts, आराम से बैठ जाओ और मैं आपको खूब 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 मजे करवाने वाली हूँ आज की class में. शुरू करते हैं आज की क्लास. नाम के लिए तो सिर्फ जेनेटिक कोड है, पर आज की क्लास में मैं आपको बहुत अमेजिंग माइंड मैप्स, बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन एकदम आपकी तरफ बॉम्बार्ड करने वाली, जिससे आप एकदम मतलब ऐसे हो जाओगे वाव कि ये क्या हुआ है हमारे साथ. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस दैट यू विल एवर विटनेस इन योर एंटायर लाइफ. सो दिल थाम के बैठिए, लेट्स स्टार्ट टुडे सुपर फाड़ू, सुपर ऑसम एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग क्लास ऑन द जेनेटिक कोड. राइट चलो आगे बढ़ते हैं. और ये तो है ही आपकी प्यारी वानी मैम. येस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर लव दैट आई हैव गॉट द बेस्ट टीचर अवार्ड, नॉट वंस बट ट्वाइस. येस, दिस इज आवर अमेजिंग टेलीग्राम ग्रुप. सो मेक श्योर यू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, बिकम अ मेंबर ऑफ आवर अमेजिंग टेलीग्राम ग्रुप. मेक श्योर दैट यू जॉइन इट. अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, रिविजन कैसे करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, पढ़ाई कैसे करना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए. यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल आपको मिल जाएगा. और ये रहा, आप हमारे माइक्रो कोर्सेज देख सकते हो. आपको पता है हम फ्री वेबिनार्स लेते हैं, हम आपको रोज मिलते हैं. आप हमारे माइक्रो कोर्सेज देख सकते हो. हमारे माइक्रो कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड लगाना है. ये मेरा कोड है वानी MIC, और 20% की जगह आई एम गोइंग टू गिव यू अ 95% ऑफ इफ यू ज्वाइन आर माइक्रो कोर्सेज, जहाँ पे बहुत कम टाइम में आपके मेजर कॉन्सेप्ट्स के फंडे एकदम क्लियर हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोड कॉल्ड VDMIC. चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास. टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया, कोड आपको मिल गया, और ये हमारी बड़ी प्यारी सी, छोटी सी, सुंदर सी टीम है. सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर अमेजिंग चैनल फॉर दिस सुपर अमेजिंग टीम. चलिए, ये एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके कुछ फंडे गॉड लेवल, नेक्स्ट लेवल एकदम क्लियर करने वाली हूँ. सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन आवर क्लास एंड You see all our lectures. आज की क्लास बच्चों, कल को कुछ अटेंड किया है, नहीं किया है, पिछले कल अटेंड किया है, नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट 6 क्वेश्चंस आएंगे और आज की क्लास में मैं सब कुछ आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ. सो प्लीज आज की क्लास को अटेंड करना मत भूलिए. टोटल मार्क्स आर 24, वेटेज इज 12%. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चलो, सो इससे पहले, यहाँ तो हमने लगभग कल क्लास खत्म की थी, आपको याद होगा. मैं आपको एक बार पहले सारी कहानी डिटेल में सुनाना चाहती हूँ, डिटेल में काफ़ी कुछ आपको समझाना चाहती हूँ. उसके बाद मैं आज की क्लास में आऊँगी, ठीक है. तो पहले एक बार आराम से बैठो. इट इज़ गोइंग टू बी लाइक बैनियन ट्री के नीचे आप बैठे हुए, बरगद के पेड़ के नीचे आराम से बैठो, चाय का कप उठाओ, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई, आराम से बैठो और आज की क्लास एंजॉय करो. सब कुछ एक बार दोबारा समझो, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस डिटेल में करवाने वाली हूँ. तो सब कुछ एक बार समझो और फिर हम आज की क्लास को एंजॉय करेंगे, ताकि हम कल की क्लास को और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकें. तो आज की क्लास में हम सिर्फ वर्ल्ड फेमस माइंड मैप्स बनाएंगे, लाइक लिटरली वर्ल्ड फेमस माइंड मैप्स बनाते हुए आज की क्लास को पूरी तरह समझेंगे. प्लीज, तो आज की क्लास आपकी बहुत ही मैसिव रिविजन क्लास है, मैसिव रिविजन क्लास. राइट, फुल जेनेटिक्स जो अभी तक हमने पढ़ा है, उस पूरे का रिविजन एक शॉट में करना है. इज दैट क्लियर? यस. तो हम आते हैं वर्ल्ड फेमस माइंड मैप्स पे. ध्यान से सुनिए. देखो बेटा, डीएनए का काम क्या होता है? ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर है आपका डीएनए. करेक्ट? पूरी रिवीजन क्लास है. इसके बाद हम बाद में कंटिन्यू करेंगे. पूरी रिवीजन क्लास है. न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए. तो इसका काम क्या है? क्या काम है इसका? इसका एक ही काम है, इसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है. जब जब सेल को इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसको उस इंफॉर्मेशन के साथ प्रोटीन्स बनाने हैं. प्रोटीन्स अगर आप किसी की आंखों को देखो, उसके पास आई कलर है, उसके पास हेयर कलर है, स्किन है, लंग लिवर हार्ट बनाने की जीन है, जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जो भी किसी आदमी का फिनोटाइप होता है, जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जो भी फिनोटाइप है, प्लीज़ इस बात को ध्यान से समझिए, जो भी किसी का फिनोटाइप है वो सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। तो फिनोटाइप को बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जो जीनोटाइप है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो कहाँ है? वो जीनोटाइप में है। सो जीनोटाइप के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है जो आपको बनाती है, विच इज नथिंग बट योर फिनोटाइप। सो दैट इज द वर्क ऑफ डीएनए। जब बेटा जिंदगी शुरू हुई तो लोगों को दिखाई तो देता था कि हो सकता है आंखों का कलर ऐसा है, ऋतिक रोशन की देखिए, ऐश्वर्या राय की देखिए, बाकी लोगों के देखिए, स्किन कलर ऐसा है, हेयर कलर ऐसा है, पर लोगों को ये नहीं पता था कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डीएनए। पीपल डिड नॉट नो दैट वॉट एवर इज बींग सीन, वॉट एवर इज बींग एग्जिबिटेड, ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डीएनए। दैट पीपल डिड नॉट नो। सो दिस सिचुएशन बिकेम very dogmatic, which I have told you. I am just trying to give you a complete picture. So dogmatic means a very unsure, hidden. लोगों को पता ही नहीं था ये क्या हो रहा है, so इसको कह दिया central dogma of molecular biology, because जब भी हम DNA की बात कर रहे हैं, it has to become a part of the molecular biology. और इस पूरे situation को बोल दिया central dogma, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास कैसे है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि जब हिस्टोरियंस, और वो हिस्टोरियंस किसके थे? बायोलॉजी वाले हिस्टोरियंस थे। जब उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी तो आधे लोग कहते थे कि जो जेनेटिक मटीरियल है वो प्रोटीन है, और आधे लोग कहते थे नहीं, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो प्रोटीन वाले अपने पक्ष में ये वाली बात रखते थे, दे यूज्ड टू से दैट व्हाई द जेनेटिक मटेरियल हैज टू बी प्रोटीन, बिकॉज दिस इज प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन, एवरीथिंग इज प्रोटीन। तो वो कहते थे कि जो जेनेटिक मटीरियल है वो प्रोटीन है। फिर एक साइंटिस्ट आए जो आपको पता है, F.H.C. क्रिक, और F.H.C. क्रिक क्या कह गए? F.H.C. क्रिक कह गए, इन्होंने कहा कि नहीं, प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल नहीं है, डीएनए है, क्योंकि डीएनए से ही प्रोटीन बनता है। और इस बात को उन्होंने सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थ्रू बताया, जो मैंने कल आपको समझाया था। एक बार मैं दोबारा समझा देती हूं आपको सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो क्रिक कह के गए। तो क्या कह के गए वो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में? देखिए बच्चों, आज की सारी क्लास में आपको सिर्फ अमेजिंग माइंड मैप से पढ़ाने वाली हूं। तो वो क्या कह के गए सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में? वो ये कह के गए दैट डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज रेप्लीकेशन। व्हाट विल दिस प्रोसेस बी कॉल्ड? रेप्लीकेशन। डीएनए से बनेगा आरएनए, एंड दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। कई बार फॉर एग्जाम्पल इन अ वायरस लाइक HIV, जो कि आरएनए वायरस है, फ्रॉम आरएनए यू कैन फॉर्म डीएनए। अगर ये होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस टेमिन और बाल्टीमोर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो इस प्रोसेस को हम टेमिनिज्म भी कह सकते हैं। फ्रॉम आरएनए आई एम गोइंग टू फॉर्म प्रोटीन्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। नाउ if I have to come to RNA, there are not 3 but 5 types of RNA, but in today's class I am going to be focusing on the 3 types of RNA. So what are the 3 types of RNA that I am going to be focusing on? I am going to be focusing on mRNA, messenger RNA. I am going to be focusing on transfer RNA, and another RNA called the rRNA or the ribosomal RNA. Messenger RNA is made in the DNA, which carries the message. कौन सा? प्रोटीन। मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा प्रोटीन बनेगा? द मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरिड बाय mRNA। अमाइनो एसिड जो उस पर लगेंगे ताकि प्रोटीन बने, सो अमाइनो एसिड को कैरी करने वाला tRNA। और द फैक्ट्री और द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स को बनाने वाला आरएनए, ये सब मिलके प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे. तो अब हम डिटेल में इस सारे के सारे को देखते हैं. जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है बच्चों, वो इंफॉर्मेशन जो पास हो रही है वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है नाइट्रोजनस बेस पेयर्स में. किसमें स्टोर्ड है? नाइट्रोजनस बेस पेयर्स. ये नाइट्रोजनस बेस पेयर्स जो है, कुछ प्यूरिन्स हैं और कुछ पिरिमिडिन्स हैं. प्यूरिन्स आपको पता होना चाहिए, प्यूरिटी की निशानी एग मार्क, और पिरिमिडिन्स आपको पता होना चाहिए टी और सी. आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन सब के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है. तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसकी फोटो ले लीजिए और वो इंफॉर्मेशन को डिकोड करने की हम कोशिश करते हैं. चलिए, सो अब हम आते हैं बेस पेयर्स पर, और बेस पेयर्स में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है. क्या स्टोर्ड है बेस पेयर्स में? इंफॉर्मेशन. तो इस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं. अगर हम वर्ड डिकोड पढ़ेंगे तो हमें इसमें कोड नजर आ रहा है. यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको फिनोमिनन फंक्शन बताने वाली हूं ऑफ जेनेटिक कोड. बहुत ज्यादा जितना कुछ हमने पढ़ा है वो सारा आज मैं समेट कर आपको देने वाली हूं, फ्रॉम रेप्लिकेशन टू ट्रांसक्रिप्शन, ताकि हम कल की क्लास में ट्रांसलेशन अच्छे से समझ सके. तो प्लीज यहां क्लास में रहिए और इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? डिकोड. डिकोड करने के लिए जो कोड है वो है आपका जेनेटिक कोड. देखिए बेटा, जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है. क्या होती है इंफॉर्मेशन? स्टोर. किस चीज की इंफॉर्मेशन है? किस चीज की इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन किसकी होगी बच्चों? ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस की, कुछ काम करने की, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है. ये तो आपको पता होना चाहिए. इंफॉर्मेशन किसकी होगी? इंफॉर्मेशन तो जो काम होना है, प्रोटीन सिंथेसिस, उसी की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, और तो किसी चीज की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी. ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन किस चीज़ की है. काम करना है मुझे 20 अमाइनो एसिड्स बनाने हैं. ये 20 अमाइनो एसिड्स असेंशियल है. असेंशियल का मतलब क्या होता है? असेंशियल का मतलब होता है दैट मीन्स जो पर्सन की बॉडी है वो इनको बना नहीं सकती. कांट मेक दीज अमाइनो एसिड्स, इनको बना नहीं सकती. देयरफॉर इनको उसको डाइट से क्या करना पड़ता है? कंज्यूम करना पड़ता है. समझ रहे हो आप लोग? कंज्यूम करना पड़ता है. तो इसीलिए मुझे कोड चाहिए ताकि मैं इनको बना सकूं. मुझे क्या चाहिए? कोड, ताकि मैं इनको बना सकूं. आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां बताती हूं, बहुत कम टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं. इसको हटाओ एक सेकंड के लिए. तो मैं बहुत, देखो बेटा, हम खाना खाते हैं, ठीक है ना, हम खाना खाते हैं. ध्यान से मेरी बात सुनो. तो हम लोग खाना खाते हैं. खाने में हम क्या खाते हैं? खाने में हम प्रोटीन्स खाते हैं. तो मान लो प्रोटीन्स खाने के लिए एक पर्सन ने एग्स खाया, ठीक है, थोड़ा सा मिल्क पी लिया, ठीक है, थोड़ा सा चिकन खा लिया. तो ये सब प्रोटीन ही तो है. प्लीज, जो मैं आपको समझा रही हूं कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया. बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, ध्यान से समझिए. तो ये प्रोटीन्स फाइनली कहां पर पहुंच गए? स्टमक में. और स्टमक में जब ये प्रोटीन्स पहुंच गए तो ये प्रोटीन स्टमक में जाकर हो गए ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन होकर फाइनली आप सोचिए ये इंटेस्टाइन में आ गए. इंटेस्टाइन में इनका और फर्दर ब्रेकडाउन हुआ और फाइनली ये विलाय में चले गए. क्या बनकर? अमाइनो एसिड्स. प्लीज इसको समझिए, मैं बहुत एनर्जी खर्च करके आपको बहुत डिटेल में कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूं. ये विलाय में चले गए, विलाय से ये एब्जॉर्ब हो गए थे, ब्लड वेसल से ये एब्जॉर्ब हो गए. फाइनली एब्जॉर्ब होकर ये कहाँ गए? प्लीज इसको समझिए. एब्जॉर्ब होकर ये कहाँ गए? एब्जॉर्ब होकर ये सेल्स में चले गए. तो सेल्स को क्या मिल गया? सेल्स को अमाइनो एसिड्स मिल गया. समझ रहे हो आप? प्रोटीन सिंथेसिस को हम थोड़ा अलग तरह से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्स को अमाइनो एसिड्स मिल गए, तो आपने खाना खाया, ऑसम माइंड मैप्स है, ऐसे माइंड मैप आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपने खाना खाया, ये एक पर्सन है, इस पर्सन ने खाना खाया, खाने में इसने अगर प्रोटीन खाया तो प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो गए, अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो गए और सेल्स में चले गए। अमाइनो एसिड जब सेल में जाएंगे तो अमाइनो एसिड जो है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके आगे मैं स्टार बना देती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको हम ऐसे फ्री नहीं छोड़ सकते। आप मान लीजिए दिवाली का फेस्टिवल होकर गया है, उससे पहले धनतेरस था, तो आपने कोई हार खरीदा, बड़ा महंगा हार खरीदा, बहुत एक्सपेंसिव था, आप क्या करते हो, ऐसे ही छोड़ देते हो हार को, दरवाजे के बाहर टांग देते हो, घर के बाहर रख देते हो, तनिष के डब्बा कि आओ ले जाओ हार, नहीं, आप उसको अपने लॉकर में रखते हो। तो सिमिलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमाइनो एसिड, इसको लॉकर में संभालना बहुत ज़रूरी है। तो लॉकर कौन है, लॉकर है टीआरएनए। तो टीआरएनए आकर इस अमाइनो एसिड को पकड़ेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और चार्जिंग करने के लिए एक इंजाइम चाहिए होगी जिसका नाम है अमाइनो असाइल। लिखिए, अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो आप देख रहे हो आपके पास जैसे जैसे आपने खाना खाया, जैसे जैसे खाना खाया, प्लीज इस बात को समझिए, आपके पास टीआरएनए जो है वो चार्ज हो गए। चार्ज का मतलब उस पर अमाइनो एसिड जुड़ गया। अब ये जो है ये एक सिग्नल भेजेगा। किसको सिग्नल भेजेगा? ये सिग्नल भेज देगा आपके डीएनए को कि डीएनए देख रॉ मटेरियल रेडी हो गया है। क्या बोलेगा जाके डीएनए को? डीएनए रॉ मटेरियल, दैट मीन्स जो रॉ मटेरियल अमाइनो एसिड्स का है वो रेडी हो गया है, अब तुम इशारा करो तो हम काम शुरू करेंगे। सो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की, पर वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। प्लीज मैं आपको जो बता रही हूं इतने अमेजिंग माइंड मैप्स बनाकर उसको कॉपी करिए, याद रखिए। इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की और वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है किसमें? कोड में। अगर मैं आपके सामने वाओ लिखती हूं, अगर मैं आपके सामने वाओ लिखती हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाओ मतलब डब्ल्यू ओ डब्ल्यू। अगर मैं आपके सामने कीरो लिख रही हूं जो रेगुलर हमारे मेंटी क्विज़ेस को टॉप करती है, तो आपको पता होना चाहिए कीरो मतलब KIRRO। इज दैट क्लियर? वो कोड है A, T, G और C का, चार अल्फाबेट्स का कोड है। और चार अल्फाबेट से आपको क्या बनाना है? कहां से कहानी शुरू हुई थी? एक सेकंड के लिए इस कहानी को रोकते हैं। क्या बनाना है? 20 अमाइनो एसिड्स। ATGC से क्या बनाना है? 20 अमाइनो एसिड। चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हम A से एक अमाइनो एसिड, T से दूसरा अमाइनो एसिड, G से तीसरा और C से फोर्थ अमाइनो एसिड। कितने अमाइनो एसिड बन गए? कितने अमाइनो एसिड बन गए? चार। कितने बनाने हैं? 20 - 16। गलत। अब आ जाओ AT एक अमाइनो एसिड, TA दूसरा अमाइनो एसिड, GC तीसरा अमाइनो एसिड। करेंगे तो कितने हो गए? 4 स्क्वायर 16 अमाइनो एसिड। कितने बनाने हैं? -4। गलत। Did you understand this? Done everybody? तो क्या हुआ है यहां? -4। इसीलिए ये दोनों परमुटेशन कॉम्बिनेशन गलत हैं। अब आ जाइए आप जेनेटिक कोड। फाइनली एक साइंटिस्ट आता है और उस साइंटिस्ट का नाम है गैमो। क्या नाम है उस साइंटिस्ट का? गैमो। और गैमो नाम का साइंटिस्ट क्या कहता है? गैमो नाम का साइंटिस्ट कहता है कि आप ATC 8 को TAC दूसरा, मतलब आप ट्रिपलेट करिए। क्या करिए? ट्रिपलेट कोड्स। दैट मीन्स 4 raised to power 3 is equal to 64 परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आपको बनाने हैं 20 अमाइनो एसिड, आपके पास 64 कॉम्बिनेशन है। आपने सुना है हमेशा बच्चे क्या कहते हैं, आप कहीं बाहर लेके जाने की बात करो, कहते हैं मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। यस, कहीं बाहर जाना है, अभी मेरे को शॉपिंग लेके चलो, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो सिमिलरली आपको 20 अमाइनो एसिड बनाने हैं सिर्फ, और मैंने आपको 64 परमुटेशन कॉम्बिनेशन दे दिए हैं। तो बट ऑब्वियसली आपके पास जो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। सो गैमो ने कहा कि जो कोड है वो ट्रिपलेट है। दैट मीन्स फॉर 20 अमाइनो एसिड्स आपके पास 64 कोड्स हैं। That means very important point I am telling you, आपके पास एक्स्ट्रा कोड है क्योंकि आपको सिर्फ 20 अमाइनो एसिड बनाना है। दिस इज कॉल्ड डीजेनेरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। तो ये जब टीआरएनए अमाइनो एसिड को जुड़ जाता है, और टीआरएनए अमाइनो एसिड को इसीलिए जुड़ा है क्योंकि आपने खाने में अच्छा अमाइनो एसिड खाया है। सो ये देता है डीएनए इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसके पास जो कोड होता है, जो डीएनए के पास है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, उस कोड से इंफॉर्मेशन कॉपी होती है इनटू द mRNA। इस कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। पर एक बहुत बड़ी बात आती है, बहुत बड़ी बात, इस इंफॉर्मेशन कॉपी में मिस्टेक हो जाती है क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो दो तरह की है, एक इंफॉर्मेशन अच्छी है और एक इंफॉर्मेशन अनवांटेड है। वांटेड इंफॉर्मेशन कहलाती है एक्सॉन, अनवांटेड इंफॉर्मेशन कहलाती है इंट्रॉन। तो यहां से आगे बढ़े, टीआरएनए सिग्नल लेके गया और डीएनए को बोला चलो मेरे पास रॉ मटेरियल आ चुका है अमाइनो एसिड, हम मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए के पास प्रोटीन बनाने का कोड है, उसने कोड को कॉपी किया इनटू एमआरएनए, क्योंकि जो हमें प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाने की जो मशीनरी है वो मशीनरी साइटोप्लाज्म में है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम्स लगे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ रहे हो कि नहीं? बताओ, फायदा हो रहा है? तो इसीलिए एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। पर जब इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है, इंफॉर्मेशन कॉपी होने में गड़बड़ हो गई, वांटेड और अनवांटेड दोनों इंफॉर्मेशन कॉपी हो गई। तो अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। आ रहा है सब कुछ समझ में? क्योंकि मैं सब कुछ आपको डिटेल में एक बार दोबारा समझा रही हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा था आपका डीएनए, और डीएनए से कॉपी हो गया एक सिंगल स्ट्रैंडेड, एक स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड कौन कॉपी हो गया बताइए? एमआरएनए। और इस एमआरएनए में वांटेड मटेरियल भी है और थोड़ा सा अनवांटेड मटेरियल भी है, जो अभी हम क्लास में डिटेल में देखेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? राइट। तो अब हम देखते हैं। तो ये आपका डीएनए था, ये आपने ओपन किया, पूरा डीएनए कॉपी नहीं होता, फुल डीएनए का होता है रेप्लिकेशन। जितना चाहिए होता है, ओनली रिक्वायर्ड पार्ट, ओनली रिक्वायर्ड पार्ट का होता है ट्रांसक्रिप्शन. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? तो ये बन गया आपका आरएनए. आरएनए की होती है पोलैरिटी. ये बनता है आपका 5 to 3. तो डीएनए का स्ट्रैंड क्या होगा? 3 to 5. और ये आरएनए वांटेड प्लस अनवांटेड होता है. क्या आपको यहां दो तरह की चीजें नजर आ रही है? कैन यू सी वांटेड प्लस अनवांटेड? इसको और अच्छे से लिख लेते हैं. क्या आपको दो तरह की चीजें नजर आ रही है? बताइए, प्लीज बताइए, जल्दी जल्दी बताइए. चलिए, तो क्योंकि आपको इस पे इतने क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती. क्योंकि यहाँ पे दो तरह की चीजें हैं, इसीलिए इसको हेटेरोजिनस कहते हैं. क्योंकि जो डीएनए है, कई बार उसमें अनवांटेड इंफॉर्मेशन भी होती है. एचएनआरएनए. तो बेटा आप बस मुझे इतना बताओ, क्या आपको इस अनवांटेड चीज को हटाना है और वांटेड चीज को जोड़ना है? तो हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी. तो जो वांटेड सामान होता है उसको हम कहते हैं एक्सॉन. जो अनवांटेड होता है वो हमारे कोड को इंटरप्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं इंट्रॉन. तो इसको हटाना है. इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग. और स्प्लाइसिंग करने के लिए जो एंजाइम्स होती हैं उनको कहते हैं स्नप्स. राइट? तो अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं. चलिए इसको कॉपी करिए. फुल डीएनए रेप्लिकेशन होता है. ट्रांसक्रिप्शन कभी भी फुल डीएनए का नहीं होता. ट्रांसक्रिप्शन इज ओनली ऑफ रिक्वायर्ड प्लांट पार्ट. आरएनए की पोलैरिटी होती है फ्रॉम 5 to 3. आरएनए जब बनता है तो वो हेटेरोजिनस होता है, एचएनआरएनए कहलाता है. इट इज वांटेड एंड अनवांटेड पार्ट. अनवांटेड पार्ट हमारे कोड को इंटरप्ट कर रहा है, उसको कहेंगे इंट्रॉन. वांटेड पार्ट को हमें एक्सप्रेस करना है, बनाना है, एक्सप्रेस टू प्रोटीन्स, इसीलिए इसको कहेंगे एक्सॉन. और मॉडिफिकेशन में आपको अनवांटेड पार्ट्स को हटाना है और वांटेड पार्ट्स को ज्वाइन करना है, which is called as splicing, which is done with the help called SNPs enzyme. तो अब हम इसको देख लेते हैं. मान लीजिए ये आपका आरएनए है और इसके अंदर ये रहे आपका इंट्रॉन्स. को हमें रिमूव करना है. इनको रिमूव करने का पार्ट जो है, कौन रिमूव करता है इनको? स्नप्स. वो एंजाइम्स को आप बुलाइए, वो इनको रिमूव कर देगा. तो जब ये रिमूव हो जाएगा आपका आरएनए ऐसा दिखाई देगा. यस, आपने इनको हटा दिया है. देखिए, यू हैव रिमूव देम. सो अब आपको इनको क्या करना है? यू नीड टू join them. You need to join them. You get my point? And you join them with the help of an enzyme called ligase. अब ये रहा आपका ज्वाइन हो गया. देखो बेटा, आपको कैसे पता चलेगा कोई राजा है? तो राजा के सर पे मुकुट होता है, हाथ में तलवार होती है, आसपास प्रजा होती है. तो हमें पता चलता है ये कोई सीनियर पर्सन है इस एरिया का या राजा है. तो ये आपका फाइनल बन गया. फाइनल, इसको हम होमोजिनस भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? होमोजिनस. अब इसके ऊपर टीआरएनए आएगा और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. इसके पास प्रोटीन का क्या है? कोड है फॉर मेकिंग प्रोटीन. ये क्या था आपका? हेटेरोजिनस. क्योंकि इसके पास वांटेड भी था पर अनवांटेड पार्ट्स भी थे. अनवांटेड पार्ट्स भी थे. समझ में आ रहा है आपको? तो ये कोड है. अब हमें पता तो चलना चाहिए कि ये फाइनल है. पता चलना चाहिए कि नहीं पता चलना चाहिए कि ये फाइनल है? तो कैसे पता चलेगा? कैसे? आप इसको एक कैप पहना दो, मुकुट पहना दो और पीछे इसकी प्रजा खड़ी कर दो. पीछे प्रजा खड़ी कर दो. यू मेक इट वेयर अ कैप एंड लेट पीपल स्टैंड बिहाइंड इट सो दैट यू कम टू नो. सो द कैप, दिस इज ऑलवेज 5 to 3. That is the polarity of the mRNA. You get my point? So the cap is always made of 7-methyl guanosine, right? ये cap होती है हमेशा. 7-methyl guanosine is the cap. और tail की जगह आप क्या कर दो? Many A's. A raised to power many, बहुत सारे. This is called as poly, मतलब many, adenosine, तो adenylation. आपने एक बार ये कर दिया तो ये आपका फाइनल रेडी हो गया. प्लीज क्लिक दीज फोटोग्राफ्स. वेरी इंपॉर्टेंट. आया समझ में? इज दैट क्लियर? तो ये बन गया आपका mRNA. तो एक बार ये रहा आपका सेल, ये रहा इसका न्यूक्लियस जो बाई मेम्ब्रेन है, और बीच में रहा गैप. तो ये रहा आपका न्यूक्लियर पोर. तो आपके न्यूक्लियर पोर से जो mRNA बना है वो बाहर आ गया. जैसे ही mRNA बाहर आ गया, इस पर लग जाएंगे राइबोसोम्स, tRNA, और मशीनरी स्टार्ट हो जाएगी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे. सो इज दैट क्लियर? आई होप इन टूडेज क्लास मैंने पूरा सब कुछ आपके लिए एक बार बहुत अच्छे पैकेज में, एक शॉट में रिवाइज करवा दिया है. अब यही चीज मैं आपको स्लाइड से रिवाइज करवाऊंगी, राइट? तो आपको पता होना चाहिए. देखो ये स्प्लाइसिंग हो रहा है. एक बार आपने ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, आपको मॉडिफिकेशन करना है. सो स्प्लाइसिंग कर दिया, वे यू रिमूव द अनवांटेड पार्ट्स. आपने अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव कर दिया. इज दैट क्लियर? कम ऑन बच्चों. यस, आपने कैप कर दिया और टेल रीजन पे ये लगा दिया. ये किसका सिग्निफिकेंस है? कि जो आरएनए है वो मैच्योर है या वो फाइनल हो चुका है. इज दैट क्लियर? तो देखिए ये अनवांटेड पार्ट्स है, तो ये आए आपके स्नर्ब्स, और इन्होंने उस अनवांटेड पार्ट को हटा दिया. यस, एक्सरसाइज कर दिया, और आपने लाइगेज लेकर वांटेड पार्ट्स को जोड़ दिया. इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इंट्रॉन्स को आपने हटा दिया, एक्सॉन्स को आपने ज्वाइन कर दिया. इट इज अकम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसोसोम, एंजाइम से होता है, जहां स्नर्प्स, इनका प्रोनाउंसिएशन स्नर्प्स है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स इनको कहा जाता है. इसमें कई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अनवांटेड पार्ट्स को कट कर लेते हैं. ये राइबोजाइम की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम की तरह काम करता है. ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार एमसीक्यू में आ चुका है. सो ये देखिए, यस, ये जाएगा, इसको कट कर देगा. देखिए ये जुड़े स्प्लाइसोसोम, इसने इसको कट कर दिया, और ये आपका फाइनल आरएनए रेडी होकर आ गया है. और ये आपका जो कट पार्ट है वो निकल जाएगा, वो वेस्ट पार्ट है, वो हमें नहीं चाहिए. राइबोजाइम इज अ राइबोसोम विच एक्ट्स एज अ एंजाइम, राइट? फिर एक बार आपका जब रेडी हो गया सामान, आपको पता तो चलना चाहिए, जब राजा निकले तो लोगों को जय जयकार तो करनी चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि रेडी है सब कुछ. तो आपने इसको कैप कर दिया. कैप करने के लिए आपने 7-methyl guanosine लगाया. यस, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपने 5' एंड कैप पे लगाया. 3' एंड जो आपका टेल है, आपने 150 टू 200 MCQ इतने सारे एडेनिन के मॉलिक्यूल्स लगाए. कई बार 200 से 300 एडेनिन मॉलिक्यूल्स लगाते हो. ये 3' एंड पे लगाते हो, क्योंकि 5' M कैप है और 3' जो है वो आपका टेल रीजन है. इज दैट क्लियर? राइट. और अब आपका फाइनल, देखिए कितने अच्छे से मैंने आपको समझाया. हेट्रोजिनस से आपका फाइनल mRNA बनकर तैयार हो गया है। ये आपका जेनेटिक कोड है। मैंने आपको बताया कि आपके पास सिर्फ 4 अल्फाबेट्स हैं, ए टी जी सी, और इन ए टी जी सी को यूज करके आपको 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करना है। तो इसीलिए आपका जेनेटिक कोड क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट। ये मैं नहीं कहती, ये गैमो कह के गए थे। आप अगर अभी ध्यान से मेरी बात को फॉलो करो तो आप देखोगे कि ल्यूसिन के लिए 1 2 3 4 5 6 क्या आपको दिखाई दे रहा है कि एक अमाइनो एसिड के लिए देयर इज मोर देन वन कोड। एक अमाइनो एसिड के लिए इज देयर मोर देन वन कोड? यस, इसको कहा जाता है डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। क्या कहते हैं इसको? डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। एक अमाइनो एसिड के लिए मोर देन वन कोड। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताती हूं। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जो चेंज है वो सिर्फ थर्ड बेस पेयर पे है? आप सीरीन का एग्जाम्पल लीजिए, आप ध्यान से देखिए। टी सी टी मैं मिटा देती हूँ, देखिए टी सी टी टी सी सी टी सी ए टी सी जी। क्या TC सेम है? खुद ही देखो, मेरी बात मत मानो। क्या TC सेम है? यस मैम। क्या चेंज सिर्फ थर्ड बेस पेयर पे है? यस मैम। दिस इज कॉल्ड एज वोबेल हाइपोथेसिस। क्या कहलाता है ये? वोबेल हाइपोथेसिस। चेंज सिर्फ थर्ड बेस पेयर पे होता है, डीजेनेरेसी वोबल। और जेनेटिक कोड जो है वो डीएनए से आरएनए में कॉपी होता है। कॉपी होते समय बीच में कोई हाइफन, कोई फुल स्टॉप, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इंफॉर्मेशन ऐसे कैसे पास होती है? देखिए, मैंने बहुत अच्छी स्लाइड बनाई है। ट्रिपलेट नेचर होता है, मैं नहीं कह रही, गैमो कह के गया है। यूनिवर्सल होता है, मेरे अंदर AUG मिथ्योनिन, आप सबके अंदर AUG मिथ्योनिन, कीड़े मकोड़ों के अंदर AUG मिथ्योनिन, बैक्टीरिया के अंदर AUG मिथ्योनिन। इसलिए हम बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। कोई बीच में पंक्चुएशन, हाइफन, फुल स्टॉप, कॉमा, डॉट डॉट डॉट, LOL कुछ नहीं होता है। कोई ओवरलैप नहीं होता। एक अमाइनो एसिड का एक से ज्यादा कोड होता है। अनएम्बिगुअस, वन कोडॉन, स्पेसिफाई ओनली वन अमाइनो एसिड। UUU सिर्फ फिनाइलएलेनिन का कोड है। UUU थायरोसिन का कोड नहीं है। UUU सीरीन का कोड नहीं है। AUG हमेशा इनिशिएट करेगा। 3 कोड है, UAA, एम्बल, ओपल, ओशन। UAA, UAG, UGA। अगर ये तीनों आ गए तो जो कोडिंग है वो बंद हो जाएगी। यहां से हम कल की क्लास शुरू करेंगे। तो आज हमने जेनेटिक कोड कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। पूरा रिविजन करने के लिए प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज आ जाइए, माइक्रो कोर्सेज अटेंड कर लीजिए। 95% ऑफ दे रही हूं। कोड है VD माइक्रो। यस एवरीबडी। और ये रही मेरी छोटी सी प्यारी सी टीम जो आपको कह रही है बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज यही प्यार आने दीजिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो। बाय।